तो हाल महत्वना समाचार सामे आवी रह्या छे। आगामी समय ने लईने हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी रही छे। तो आगामी 14 तारीख सुधी वरसादनी शक्यता नहिवत रहेशे तेवी हाल आगाही करवामां आवी छे, परंतु 14 ऑक्टोबर बाद वेस्टर्न डिस्टर्बन्सनी शक्यताओ हाल जणाई रही छे। तो 14 ऑक्टोबर बाद राज्यमां वादळछવાયું वातावरण रहेशे। तो उत्तर गुजरात अने कच्छना विस्तारोमां वादळછાયું वातावरण रही शके छे। तो अत्यारे राज्यमां लघुत्तम तापमान 24 डिग्री सुधी छे तेवुं हाल हवामान विभाग द्वारा कहेवामां आवी रह्युं छे। तो राज्यमां लघुत्तम तापमान 24 डिग्री छे। अगले 5 दिन में यानी आज 10 तारीख है, 10 से लेके 14 तारीख तक बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। मोस्टली वेदर ड्राई रहेगी और टेम्परेचर प्लीजेंट रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। इवन मिनिमम टेम्परेचर में भी ज़्यादा चेंजेस होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बाद उसका इम्पैक्ट रहेगा। क्लाउडी वेदर हो सकता है 14 तारीख का बाद। क्लाउडी वेदर मोस्टली नॉर्थ गुजरात इवन कच्छ में भी हो सकता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में भी क्लाउड आ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अप्रोच से जैसे वेस्टर्ली विंड होगा तो क्लाउड बन सकता है।